अत्यधिक भूमाफियाओं पर चला बुलडोजर, 4 करोड़ की बेसकीमती जमीन हुई खाली, 22 कमरों के साथ कई दुकानों को भी किया गया निस्तनाबूद। बरगावा पुलिस के पहरे में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई, नोटिस के बाद भी डटे रहे थे भूमाफिया, थाना बरगावा में दर्ज हुई FIR। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भूमाफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के ऐलान के बाद से जिले के एक हफ्ते से लगातार कार्रवाई जारी है। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, SP वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पूरे जिले में भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है। एक बार फिर देवसर तहसील के उज्जैनी गांव में रोड से सटी जमीन पर भूमाफियाओं ने लंबे समय से कब्जा जमा रखा था। कई बार नोटिस देने के बाद भी जमीन खाली नहीं की गई। वही SDM देवसर आकाश सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार के साथ TI बरगवा RP सिंह की टीम ने 7 भूमाफियाओं के मकान और दुकान, 22 कमरे, 8 घंटों की मशक्कत के बाद धराशायी कर दिए और 4 करोड़ से अधिक की सरकारी जमीन को खाली करा लिया है। इसके साथ ही थाना बरगवा में सभी के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर ने कहा कि भूमाफिया खुद ही सरकारी जमीन खाली कर दें, वरना बुलडोजर की रफ्तार थमने वाली नहीं है। भूमाफिया खुद ही सरकारी जमीन खाली कर दें, वरना बुलडोजर की रफ्तार थमने वाली नहीं है।